आप सबका स्वागत है स्काई बीच की एक और नई वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने एफपीवी का काम किया था और विदर भी को मारे थे, विदर को मारे थे से एफपीवी भी ना मारा। अभी हमारे पास विदर नए स्टाफ को मिल गया, कई सारी विदर भी बना के, और इनमें दो एफपीवी और बनाए। और मैंने ये सोचा कि एक क्राफ्टर बनाया जाए जिससे हम एफपीवी को खुद ही क्राफ्ट होंगे। वो इसके लिए सब चाहिए, तो मेरे साथ सामान रेडी रखा है, एक खोर चाहिए इसके लिए हमें, ये रहा। तो बस इसे बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए ये मशीन बेसिंग जो कि सान है। चार स्टील ले लेते हैं, दो तीन चार आठ, चलो नीचे चलो। ओह सॉरी, डेट चेंज करते हैं ऐसे भी। एक को छोड़ के साइड डाल देते हैं। और हमें चाहिए था आयरन, ये वाला जो कि हमारे पास थोड़े से ही है, तो एक स्टैक ले लेते हैं। और ये ले लेते हैं थोड़े से, और बस सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, इसमें रखे हुए कुछ, इधर हमारा आदमी खेल ही रहा है, तो सब अच्छा है। अब इसे बनाते हैं, एक इसमें भी रखा है। ये बन गए हमारे दो मशीन फ्रेम, ऐसे ही तो है। स्टोन चाहिए, अच्छा मैं भी क्या मशीन फ्रेम पे रख के बना एक, तो ये बन गए हमारे मशीन फ्रेम। अब हम दो क्राफ्टर बना सकते हैं। ओ, मेरे पास एडवांस प्रोसेसर रखे थे, तो इसे रखते हैं इधर। ऐसे काम करेगा ये? क्राफ्टर तो बन गए हमारे, हमें एक पैटर्न ग्रिड बनाना। इसके लिए मुझे इम्प्रूव प्रोसेसर, ये सब कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब कन्वर्ट करने के बाद ये तो है, ये तो थीम बनाने में, तो मिलते हैं। 2 hours later. हाँ, मैंने वीडियो में ऑफलाइन में ये भी बनाया था, क्योंकि ये तो इसमें बिजी था, तो मैंने एक सॉलिफिकेशन एक और बनाया। उससे मैंने ग्लास ब्लॉक बनाया, और फिर मैंने इधर उसकी मदद से एक दूसरा वो ब्लॉक बनाया पॉडजोल, और उस पर ग्रास को ग्रो कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास ग्रास आया, क्योंकि अब हमें काफ़ी सारे बीहाइव्स को चाहिए होंगी। तो ये बन गया वहाँ ग्रीड। अब इसका मैं पैटर्न ग्रीड बनाना है। ये रहा, इसे इधर रखते हैं।
और पैटर्न को समझाते हैं। और जैसे कि हमें सिखाना है सिस्टम को वुड कैसे बनाते हैं। जैसे कि वुडनी स्टिक्स नहीं है हमारे पास, स्टिक्स वैसे ऐसे रखते हैं और क्राफ्टर डाल देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये स्टिक्स है तो इसे हटा दो पहले, ये है तो जितने चाहेंगे वो क्राफ्ट करके देगा स्टार्ट, और ये क्राफ्ट करके दे दी इसने। ये है क्राफ्टर काम, तो ये चाहिए नहीं हमें स्टिक्स का। तो इससे हम वो सिखाएंगे, तो हमें कई सारे पैटर्न चाहिए पहले तो। काफी पैटर्न्स बनाने के बाद 13 पैटर्न होंगे हमारे, मेरे ख्याल से काफी होंगे। तो वो हमें बी हाइव तो पहले ये सिस्टम को सिखाना हो कैसे बनते हैं। ऐसे करके फिर टीयर टू का सिखाना है, फिर टीयर वन का, फिर टीयर का। इसमें एल्युमिनियम ले रहा है तो इसमें एल्युमिनियम की जगह में नॉर्मल वाले लेने हैं। फिर टीयर थ्री का, इसमें भी एल्यूमिनियम दे रहा है, ये लेना है मैनीफॉर्म ब्लॉक। फिर टीयर फोर का, हमें एपीडी सिखाना है। लेवल टू का फिर लेवल थ्री का, लेवल फोर का। तो पहले से हम इसमें डाल देते हैं, और जैसे कि थोड़े और सिखाने होंगे जैसे कि हनीक्रॉम ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें ये चाहिए, और वीआईएफ के लिए बोर्ड भी चाहिए। ब्लैंक्स ब्लैंक्स ये ऑफ थैंक्स ये भी सिखा देते हैं। तो इन्हें इसमें डाल देते हैं। और ये सारी लाइब्रेरी भी इसमें डाल देते हैं। तो जैसे कि हमें एपीआरई चाहिए टीयर फोर का, एक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास अभी हनीकॉम्स नहीं है। हनी ब्लॉक्स नहीं है जो कि बन रहे हैं, और बी वैक्स नहीं है, और ग्रास तो है ही नहीं। तो ये जब ये हो जाएंगे तो हम लेवल फोर को बना सकते हैं। तो ये हो गया है, और मॉब फैक्ट्रीज बनाने से पहले इससे प्रॉब्लम आ रही है, ये जो है बढ़ता जा रहा है और ये अकेला सेंट्रीफ्यूज नहीं कर पा रहा, तो इसे हमें अपग्रेड करने की सोचना पड़ेगा एलीट में। तो उसके लिए हमें चाहिए
नेदर, ओ नेदराइट। तो नेदराइट भी बनती है हमारी, नेदराइट भी से और गोल्ड भी से। इसको क्या चाहिए था? नेदरक का ब्लॉक। और नेदर स्क्रैप कैसे मिलेंगे हमें? शिफ्टिंग करेंगे इसकी तो क्रस्ट नेदरक चाहिए, तो थोड़ी शिफ्टिंग करने के बाद मिलते हैं। 2,000 years later. थर्टीन स्टैक नेदरक खत्म कर लिया हमने, तो 13 बचे। और उसका मैंने नेदरक ब्लॉक बना कर उधर लगा दिया। और जब मैंने ब्रीडर बनाया था ऑफलाइन में, तो इस ब्रीडर में मैंने वो रख दिया ब्रीडिंग के लिए, जिससे हमें वो नेदराइट मिल जाएगी। वो देखो ब्लॉक लगा दिया मैंने उधर, ये रहा ब्लॉक। और इन्फिनिटी बॉन्ड बना लिया मैंने, जो कि एक नेदर स्टार और दूसरी से बनता है, ये कभी टूटेगा नहीं। और ये एक मेहमान आया हुआ, इसका स्वागत करते हैं। क्या सो लेते हैं और टॉर्चेस बना लेते हैं। टॉर्च एक स्टैक, टॉर्चेस कोबलस्टोन लेते हैं। इधर लगाना है बिल्डिंग गैजेट, ये कौन आया? मेहमान आए हुए। बेकार। सैंडविक सही से काम नहीं कर रही इसमें। तो इधर हमारी बी हो गई। हाँ तो वो नीचे जाके फंस गई होंगी। और इस बीजर की खास बात है कि जो हमें बी मिलती है वो पहले से बड़ी होती है। तो इसे हम इस पर रख देते हैं, तो एक कॉम बनाने शुरू कर देंगे। इतने कॉम्स बनते हैं इसके। हम नीचे मॉब फार्म बनाते हैं, एक फ्लक्स पॉइंट ले लेते हैं, इसे पावर भी चाहिए होगा शायद से। मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं, 20 हैं, और इसके दो आउटपुट हैं, तो फ्लूड लेते हैं, क्वांटम टैंक ले लेते हैं। ये बना देते हैं हम 6, 2, तो सब हमारे पास रेडी है। तो बिल्ड करते हैं इधर, एक तो कुछ लोग रख देते हैं दूर। पिकेक्स है चलो, इससे पहले टॉर्च लगा देते हैं। तो इधर से मैं शुरू करना है। पहले से लगा लेते हैं इधर,
बच गए। गलती कभी नहीं करेंगे। शिफ्ट उसमें ग्रे लगा देते हैं, तो ये वर्किंग एरिया इसका। तो ज्यादा बड़ा नहीं ना नाम है। काफी है इतना। फिर यूज करते हैं। रास्ता भी थोड़ा कम करते हैं। मेरे ख्याल से काफी है इतना। थोड़ा सा और कर लेते हैं, काफी है। और इसको बिल्डिंग पे सेलेक्ट करते हैं ऐसे। और वर्टिकली बॉल तुम्हारे पास कब्जस्तोन है, कब्जस्तोन लेके आते हैं। थोड़ी हमें और ऊपर जाना था। उधर एक ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो गई थी जल्दी। इसे पहले पावर दे देते हैं और नेटवर्क सेट कर लेते हैं। तो बिल्डिंग एजिट गया। ये कुछ ज्यादा बड़ी वॉल नहीं बन गई, कोई नहीं तोड़ेंगे भी। डिलीट, रेंज कम करो उसकी। वॉल तो तभी बड़ी बन गई, कोई नहीं भी तोड़ते हैं।
तो मैंने ये बना तो लिया तो ये मोफॉम बना तो लिया, पर मुझे पता नहीं कि काम करेगा या नहीं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और थोड़ा खाना खा लेते हैं, रात भी हो गई है। सबसे पहले हमें टॉर्चेस लगा देनी चाहिए, घर में एक मॉब स्पॉन जाएगी। लो जी, ये तो हो भी गए थे स्पॉन, और कोई नहीं, मुश्किल नहीं होगा जाना। ना ये तो ऐसे ही गिर रहा है। फाइटिंग चल रही, क्या मस्त। अरे टॉर्चेस लगा दो, बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। बाय बाय। मेरे ख्याल से वर्क कर रहा है। हाँ, लिक्विड मिल्क को पिंक स्लाइम आ गया है। तो ये काम कर रहा है, तो अब हमें खाने की दिक्कत खत्म करनी है। तो एक है मीट फीटर, मीट ये बनाना आसान से रख देते हैं। और अगर इसे हम भर ले इसमें से, ये हमें खुद ही खाना खिलाते रहेगा। वैसे हम इसमें रख सकते, स्टोर पर लगा सकते हैं, तो हमें बार बार खाना को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इधर शायद से ये नेदरराइट भी आई है। हाँ, तो इसे ये इधर इसलिए रुका पड़ा था कि इसका कोई भी वो नहीं है। 33, 40, 60 एक स्टैक हो गया, तो वो हमें देख लेना चाहिए कितने चाहिए इसके लिए। इसके लिए चाहिए नेदरराइट ब्लॉक चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो मेरे ख्याल से कुछ देर वेट कर लेना चाहिए, इतने प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में बना देता हूँ तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। मिसाइल स्टिक्स खत्म हो गई, तो
तो शायद से मेरे पास इनफ हो गए हैं, तो पहले कंट्रोलर तोड़ते हैं फिर ये तोड़ते हैं। और जब मैंने सोचा है और बना लेंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगी, तो बात के लिए अभी तो कुछ मैंने कर लिए थे, तो इसे भी रख लेते हैं, इन सबको इसमें डालते हैं, इसे बुक मार्क करते हैं। तो कंट्रोलर बन गया हमारे लिए, कंट्रोलर के लिए पहले ही बनाना है 35, 34 बन गया। तो अभी दिक्कत आ गई है शायद से, कम पड़ गए, तो इसे सेटअप करना होगा अभी। थोड़ा सस्ता टीरा क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहे? स्टील ब्लॉक लगा दी मैंने। मैं भी क्या कर रहा हूँ, स्टील ब्लॉक क्यों लगाए? तो 36 ये बना लिए, और अभी हमें चाहिए ये कंट्रोलर के लिए, एक ब्लॉक मिसिंग है, तो कितने चाहिए एक ब्लॉक के लिए? अभी में 4 और चाहिए, तो अभी 4 बन जाएंगे और कंट्रोलर से निकाल देंगे शायद से। आ गए हूँ 4, ये रही। फिर हम ये क्रेट निकाल देते हैं,
क्या हो गया, और मुझे पता है क्या हुआ, ये क्योंकि फुल हो गया हनी से। ये देखो पूरा हमारा ये भर चुका, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं और एलाइट कंट्रोलर बनाते हैं। और ये हो गया हमारा क्वेस्ट कंप्लीट। इसमें हम 5 एक साथ कर सकते हैं, ये भी ऐसे बनेगा जैसे वो बना था। फिर अभी मैं इसकी लोकेशन भी चेंज करूंगा आने वाली कुछ वीडियो में, क्योंकि ये लोकेशन सही नहीं है, पर अभी के लिए ऐसे दर्जन देते हैं। थोड़े से पीछे और ये हो गया हमारा रेडी। बस एक्सट्रैक्ट इसे तोड़ के इसे सेट करना है, सब रेडी है। इसे तोड़ो पहले, पावर जा रही है, अब इसे तोड़ के इसमें डाल देना। तो अब ये थोड़ा जल्दी करेगा, देखते हैं अभी ये कितने जल्दी निकलता। अगर नहीं करता तो लाइन में मैं एक और इसकी लोकेशन चेंज करके उसे ऊपर करूँगा बी हाइव के पास ही, और एक और बनाएंगे हम इसे। ये देखो कितने सारे इसमें पड़े हैं, मेरे ख्याल से मुझे एक और बनाना पड़ेगा, ऑफलाइन बनाएंगे इसे, ऊपर कर देंगे ट्रांसफर। इधर ये फुल हो गया, तो थोड़ा नीचे देख के आते हैं। मैंने वो भी सेट किया था आइटम कलेक्टर, वो भी इधर इसके आइटम क्या स्पॉन हो गए, अभी भी ऊपर स्पॉन हो रहे हैं। टॉर्चेस लानी पड़ेगी, मतलब काम हो गया। कोई नहीं, टॉर्च लगाते हैं F7 ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ से स्पॉन हो जाऊंगे पक्का। नहीं ये तो कोई जगह नहीं, नहीं, क्रीपर नहीं फटना, इधर पड़ी कई सारी जगह। क्रीपर ही क्रीपर है, पहले तो मुझे एक चीज करना है, हाइट बढ़ा देनी इसकी। और ये कुछ नहीं है कि हम फ्रेम चंक का रखा, और इसे हमें ऊपर की तरफ सेट करना।
तो कुछ ज्यादा ही हो गया हाइट। ये टॉर्चेस लगा दिए, इसे हटा देते हैं। और बस इधर हमारे पास काफी सारा ये हो गया, पिंक स्लाइम भी हो गई सारी। यहाँ तक कि रोटर साइज हमारे पास हुई है। तो आज हमने बहुत काम किया, इधर टॉर्च लगा देते हैं। और इसे मैं ऑफ लाइन में इधर थोड़ा एक्सटेंड करके इधर लगा दूंगा, और इस आइटम राउटर को उसके पास ही रखूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं, इधर हम पहला लेवल 4 की हाइट आएंगे। जाते जाते ये देख लेते हैं कितना चाहिए हमें, ये फिर लेवल 4 की बनाएंगे ब्लैक। इसके लिए हमें सिकंदरी ब्लॉक चाहिए और सब हमारे पास है। ग्रास चाहिए, ग्रास को मैं जल्दी कर लेंगे, और अन्य तो हनी कुंड जल्दी करने के लिए ये इसमें बहुत टाइम है। तो हमें दूसरा तरीका अलग अलग हाइप में की डाल देंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। सैंड भी कोई काम की नहीं, से निकाल दो। और मैंने कुछ बीस को मार दिए, मारना पड़ा क्योंकि काफी जगह गए थे, उसमें से एक भी हमारे तो कैप्चर लगाया, तो उसके अंडा मिल गया हमें। और इधर कई सारी भी है, पर मेरे ख्याल से अभी हमें कोई भी लगाने की जरूरत नहीं, पर पड़ेगा के। और आज की वीडियो में हम इतनी करते हैं, और कल मिलते हैं। कल क्या मतलब कि अगली वीडियो मिलते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक मैं सी यू। Gracias.